मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का छोटा भंगाल क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान और इसके विकास के लिए धन की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। सीपीएस ने शुक्रवार को मुल्थान में जन समस्याओं को सुना और छोटा भंगाल क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ का कर्ज था और 11,000 करोड़ की देनदारियां थी, उसके बावजूद भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो अब बहाल की गई और सुख आश्रय जिन बच्चों का कोई वेली वारस नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, उनके लिए कोष का गठन किया गया और 27 साल की उम्र तक उन बच्चों का पालन पोषण सरकार करेगी, सरकारी माता सरकारी पिता। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। इसी तरह से एक वायदा महिलाओं से किया गया था, उसमें भी पहले चरण में 2,33,000 महिलाओं को 1,500 रुपये की पेंशन आएगी, चरणबद्ध ढंग से सभी महिलाओं को 1,500 रुपये सरकार देगी, इसमें कुछ समय लगेगा। इसी तरह से कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कदम है, इससे 200 करोड़ की सालाना आमदनी होगी, उसको करवाने जा रहे हैं ताकि बिल्डिंग यहाँ बने। यहाँ 2,00,000 किरार की उन्होंने बात की या कमी है, उसमें पूरा किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मुहैया हो और छोटे बंगाल के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जब सड़क आपकी भीड़ बरोड व राजगुंदा तैयार हो जाएगी, यहाँ बसें भी चलाऊँगा और यहाँ जो भी विकास के काम हैं, चाहे वो आपका स्वर का है, मुजलिम का है, ये सड़कें हम बनाएंगे। अंदली मिला वाली सड़क है, उसको बनाया जाएगा। तो शीघ्र ही बंगाल के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, 5 साल या कोई काम नहीं हुए आपके सामने। और एक सोच मुख्यमंत्री जी की है कि जो हाइड्रल प्रोजेक्ट है वहाँ से रियलिटी दी जाए, वाटर टैक्स वहाँ से लिया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश को आमदनी हो, हमें कर्ज ना उठाना पड़े, ऐसा प्रथम सरकार करने जा रही है। और डीपीआर मेरे कार्यकाल में बनी थी और 25 करोड़ की डीपीआर थी, जो सर